हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम सीखेंगे शुड का यूज़। शुड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। शुड ना चाहिए, सलाह के लिए, उपदेश के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का यूज़ होता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना चाहिए रहे उस क्रिया का अनुवाद शुड में होगा। क्या? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना चाहिए रहे उस क्रिया का अनुवाद शुड में होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, राम, शाम। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं शुड के। शुड का प्रयोग सीखें, जैसे आई शुड रीड, आई शुड नॉट रीड, शुड आई रीड और वाई शुड आई रीड। सिंपल में, इंट्रोगेटिव में एंड निगेटिव सेंटेंस में मैंने प्रयोग किया है। अब कैसे शुड का प्रयोग किया जाएगा, अब मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम सीखेंगे कहाँ का कैसे प्रयोग करना है। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। प्लूरल सेंस में कैसे यूज़ करेंगे, वी शुड रीड, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पर्सन है ये। सेकेंड पर्सन, पर्सन आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, राम शुड रीड, उसे, उसको या राम को पढ़ना चाहिए। ए, द बॉय शुड रीड, उन लोगों को या लड़कों को पढ़ना चाहिए। अब मैंने इसके कुछ सेंटेंस भी लिए हैं अलग से। फर्स्ट सेंटेंस इज, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। सेकेंड इज, उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे, उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। थर्ड इज, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। फोर्थ इज, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिफ्थ इज, हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, वी शुड रीच देयर ऑन टाइम, हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। सिक्स्थ इज, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश विद मी, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश विद मी। सेवन्थ इज, तुम्हें ये काम कल करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क टुमोरो, तुम्हें ये काम कल करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क टुमोरो। एट्थ इज, बच्चों को यहाँ आना चाहिए, द चिल्ड्रन शुड कम हेयर, बच्चों को यहाँ आना चाहिए, द चिल्ड्रन शुड कम हेयर, द चिल्ड्रन शुड कम हेयर। नाइन्थ इज, भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए, इंडियन शुड बी लेबोरियस, भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए, इंडियन शुड बी लेबोरियस। टेंथ इज, आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए, यू शुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए, यू शुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू शुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर। अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे शुड का। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्क वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्व की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट एंड गो, फिर देयर। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। सेकेंड सेंटेंस इज, उसको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, उसको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। थर्ड इज, मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट वर्क हार्ड। फोर्थ इज, हमें सदा सत्य
नहीं बोलना चाहिए. वी शुड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. वी शुड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. फिफ्थ इज, हमें वहाँ समय पर नहीं पहुँचना चाहिए. वी शुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम. हमें वहाँ समय पर नहीं पहुँचना चाहिए. वी शुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम. सिक्स्थ इज, उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए. ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी. उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए. ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी. सेवन्थ इज, तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट डू दिस वर्क टुमोरो. तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट डू दिस वर्क टुमोरो. एट्थ इज, बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए. द चिल्ड्रन शुड नॉट कम हेयर. बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए. द चिल्ड्रन शुड नॉट कम हेयर. नाइन्थ इज, तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट दिस वर्क टुमोरो. तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट डू दिस वर्क टुमोरो. टेंथ इज, आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए. यू शुड नॉट बी अ कंप्यूटर इंजीनियर. आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए. यू शुड नॉट बी अ कंप्यूटर इंजीनियर. अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे शुड का. शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पहले सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे फिर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे शुड का. फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए. शुड यू गो देयर. क्या आपको वहाँ जाना चाहिए. शुड यू गो देयर. सेकेंड इज, क्या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे. क्या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे. क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए. शुड आई वर्क हार्ड. क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए. शुड आई वर्क हार्ड. फोर्थ इज, क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए. शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए. शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. फिफ्थ इज, क्या हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए. शुड वी रीच देयर ऑन टाइम. क्या हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए. शुड वी रीच देयर ऑन टाइम. शुड वी रीच देयर ऑन टाइम. सिक्स्थ इज, क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए. अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे. क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए. शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी. क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए. शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी. सेवन्थ इज, क्या तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए. शुड यू नॉट डू दिस वर्क टुमोरो. क्या तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए. शुड यू नॉट डू दिस वर्क टुमोरो. शुड यू नॉट डू दिस वर्क टुमोरो. एट्थ इज, क्या बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए. शुड द चिल्ड्रन नॉट कम हेयर. क्या बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए. शुड द चिल्ड्रन नॉट कम हेयर. नाइन्थ इज, क्या भारतीयों को मेहनती नहीं बनना चाहिए. शुड इंडियंस नॉट बी लेबोरियस. क्या भारतीयों को मेहनती नहीं बनना चाहिए. शुड इंडियंस नॉट बी लेबोरियस. शुड इंडियंस नॉट बी लेबोरियस. टेंथ इज, क्या आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए. शुड यू नॉट बी अ कंप्यूटर इंजीनियर. क्या आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए. शुड यू नॉट बी अ कंप्यूटर इंजीनियर. अब हम डब्ल्यू एच फैमिली में शुड का यूज़ करेंगे. वैन वाई हाउ एंड एक्सेट्रा. वैन वाई हाउ शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम सेंटेंस देख लेते हैं इसके. फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको वहाँ कब जाना चाहिए. वैन शुड यू गो देयर. आपको वहाँ कब जाना चाहिए. वैन शुड यू गो देयर. वैन शुड यू गो देयर. सेकेंड इज, उसको प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए. वाई शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे. उसको प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए. वाई शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे. थर्ड इज, मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए. वाई शुड आई वर्क हार्ड.
मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? Why should I work hard? Fourth is, हमें सदा सत्य क्यों बोलना चाहिए? Why should we always speak the truth? हमें सदा सत्य क्यों बोलना चाहिए? Why should we always speak the truth? Fifth is, हमें वहाँ समय पर क्यों पहुँचना चाहिए? Why should we reach there on time? हमें वहाँ समय पर क्यों पहुँचना चाहिए? Why should we reach there on time? Why should we reach there on time? Sixth is, उसे मेरे साथ अंग्रेजी कब नहीं बोलनी चाहिए? When should he not speak English with me? उसे मेरे साथ अंग्रेजी कब नहीं बोलनी चाहिए? When should he not speak English with me? Seventh is, तुम्हें ये काम कल क्यों नहीं करना चाहिए? Why should you not do this work tomorrow? तुम्हें ये काम कल क्यों नहीं करना चाहिए? Why should you not do this work tomorrow? Why should you not do this work tomorrow? Eighth is, बच्चों को यहाँ कब नहीं आना चाहिए? When should the children not come here? बच्चों को यहाँ कब नहीं आना चाहिए? When should the children not come here? Ninth is, भारतीयों को मेहनती कैसे नहीं बनना चाहिए? How should Indians not be laborious? How should Indians not be laborious? How should Indians not be laborious? Tenth is, आपको एक कंप्यूटर अभियंता कैसे नहीं बनना चाहिए? How should you not be a computer engineer? आपको एक कंप्यूटर अभियंता कैसे नहीं बनना चाहिए? How should you not be a computer engineer? How should you not be a computer engineer? Guys, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना. If you like this video, so don't forget like, share and subscribe my channel. And hit the bell icon. और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.